महालक्ष्मी जी की। मैं हूं तपेश जैन और सीजी स्टार में आपका स्वागत है। हम यहां पर बालाजी नगर में शिवानंद नगर के पास में है, खमतराई में। बहुत ही अच्छा मंदिर है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र मंदिर है जहां पर माँ लक्ष्मी जी की, माँ सुबह सिद्धि गणेश जी की और ज्ञान सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापित है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि धनतेरस है। धनतेरस की सबको शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन ऐसा माना जाता है कि धन की जो पूजा होती है, धनवंतरी भी है, स्वास्थ्य संबंधित भी है। हमारे साथ में मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री जी स्वामी जी है, बहुत ही एक्टिव है। 2008 में ये मंदिर शुरू किया था, 2010 में फिर इसकी स्थापना की। डॉक्टर अजय साहे जी है, समाज सेवा है, चालूर में भी काम करते हैं। भरत भाई बजाज जी हमारे साथ में, डॉक्टर पुनी सोनकर जी भी है, टेसु डोंगरे जी, अजय दुबे जी, प्रेम शंकर महिलांगे जी, जी गोपी जी हमारे साथ में है और मुकुंद बाबू जी है। क्या कहेंगे मामा, आज महाआरती छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए हम सब लोगों ने एक प्रार्थना की यहाँ पर जी। गणेश जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले और ज्ञान सरस्वती का आशीर्वाद मिले, क्योंकि यहाँ पे स्वयं भोलेनाथ जी विराजे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने भगवान शिव जी को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किए थे, फिर उसके बाद गणेश जी आए, फिर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी भी आ गया। आज के दिन क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दिन ही यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ था लक्ष्मी जी का और सरस्वती जी का, इसी के लिए हर साल हम लोगों धन्वंतरी पूजा के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा दिवस तक का पूजा करते रहते हैं। ये अच्छा छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ राज्य के, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए भी आज प्रार्थना महा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल, मतलब हवन जब होता है मतलब पूरा मतलब भारत के लिए हमेशा हम लोग उसमें कामना करते हैं कि हमारा भारत अच्छा मतलब तरक्की करे, पूरा विश्व में उसका अलग से पहचान हो। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आज महालक्ष्मी जी की महाआरती? पहले तो सबको जय जोहार, और आज भगवान धन्वंतरी की जयंती है, आज धनतेरस भी है और परसों दीपावली भी है, तो मैं सभी अपने प्यारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूँ। आज यहाँ धनतेरस के दिन जो महाआरती हुई है पूरे छत्तीसगढ़, पूरे समाज, हम सबकी खुशहाली के लिए, तन मन धन में वृद्धि के लिए, और साथ में महालक्ष्मी जी, सरस्वती जी भी हैं, इनकी जो आज पूजा हुई और हमने जो पूजा में हम सम्मिलित हुए, बहुत ज़्यादा मन को अमन चैन, सुख शांति और बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। और हमें लग रहा है कि हमने जो आज दुआ की है वो कभी खाली नहीं जाएगी। भगवान के दरबार में ना देर होती है, ना कभी अंधेर होता है। और स्वामी जी ने बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है इस खमतराई में। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हमको आने में करीब 1.5 घंटा अंदर लग गया। बहुत बहुत आभारी हूँ जो आज इस कार्यक्रम में न सिर्फ हमको आपने सम्मिलित किया, बल्कि हमारी संस्था के सभी सदस्यों को मान सम्मान जो आदर दिया और उनका अभिनंदन किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। क्या कहेंगे भरत भाई, शंकर फाउंडेशन के आप संस्थापक भी हैं और छत्तीसगढ़ चैंबर के उपाध्यक्ष भी हैं। यह दीपावली के 5 दिवसीय त्यौहार का पहला दिन है। आज हमारे परम पूज्य, प्रथम पूजनीय गणेश जी विघ्नहर्ता के मंदिर में हम खड़े हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और साथ में आज लक्ष्मी जी विराजमान है, सरस्वती जी विराजमान है। छत्तीसगढ़ और देश के नागरिकों को समृद्धि और सुख की कामना करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। सभी को बधाई और शुभकामनाएं। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी है और भूपेंद्र भी है। सभी एक बार फिर से बोलेंगे माँ लक्ष्मी जी की, गणेश भगवान की, सरस्वती मैया की, भोले भंडारी की, और बालाजी भी यहाँ पर विराजमान है। बालाजी नगर भी रखा है, तो बालाजी की भी सभी का धन्यवाद। सबको शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बने रहे, यही कामना के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।